प्रथम तहलका न्यूज। हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया बहादराबाद स्थित गंगा सॉल्यूशन सेंटर में आज आईटीआई के विद्यार्थियों की परीक्षा होनी थी, लेकिन आईटीआई की परीक्षा स्थगित किए जाने को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्रों ने इंडस्ट्रियल एरिया बहादराबाद स्थित परीक्षा केंद्र के बाहर जमकर हंगामा किया और एडमिट कार्ड को भी जला दिया। वहीं इस दौरान बजरंग दल के संगठन के जिला संघ संयोजक ईशांत तेजियान और सह सुरक्षा प्रमुख रजत दिवाकर ने मौके पर पहुंचकर विद्यार्थियों से बातचीत की और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने की बात कही और ये कहा कि इस विषय को लेकर शिक्षा अधिकारी से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों की समस्या का जल्दी समाधान नहीं किया जाता है तो बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विद्यार्थियों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। होती है 4 साल हो गए, इन्होंने पूरे बर्बाद कर दिए बच्चों के। आज के टाइम में हाल हो गया कि तेल भी महंगा है, बच्चे कुछ काम कर रहे हैं कंपनियों में, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कुछ बहुत बुरी हालत है सबके घर के परिवार की। ऊपर से महंगाई ने कुछ ऐसी कर रखी है। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हमें बैक के पेपर में पास कर दिया जाए, प्रमोट कर दिया जाए। हमारी कोई रिक्वेस्ट नहीं है। 4 साल हो गए बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। अप्रेंटिस 2 साल की, अप्रेंटिस 1 साल की होती है, अप्रेंटिस में 5 साल और लगेगा और फिर जाके 6 साल में पूरी होगी। ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये देखो, कोई फायदा नहीं। से एडमिट कार्ड का फाड़ के फेंकने में फायदा है, कोई फायदा नहीं। बच्चों की जिंदगी बहुत बर्बाद कर रखी है, दुख होता है, रोना था, आधी बार रात को नींद भी नहीं आती। ये बहुत बुरा हाल है। अगर सुनवाई नहीं हुई तो इसका परिणाम सरकार भुगतेगी, DGT भुगतेगा। हाथ जोर से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब बच्चों को पास कर दिया जाए। बस परीक्षार्थियों का कहना था कि आईटीआई को 2 साल की होती है और अप्रेंटिस 1 साल की, लेकिन बीते 4 सालों से पेपर ना होने के चलते अभी तक हम अपनी आईटीआई पूरी नहीं कर पाए हैं। हरिद्वार के निवासी एक छात्र का कहना था कि पिछले 4 सालों से लगातार परीक्षा केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं, जिसके चलते कई बार हमें अपने काम धंधे छोड़कर आना होता है, लेकिन फिर भी हमारी परीक्षा नहीं हो पाती है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अब सरकार को सभी बच्चों को आईटीआई में पास कर देना चाहिए, जिससे बच्चे अपने आगे की पढ़ाई कर सके। हम भैया विशाल कुमार है, मैं देवबंद साइड का निवासी हूँ। मेरा एग्जाम था यहाँ, मेरा नहीं, ऐसे हजारों स्टूडेंट का एग्जाम था आईटीआई में, और 3 साल से पिछले बेवकूफ़ बनाया जा रहा, ना कोई एग्जाम हो रहा ना कोई एग्जाम की डेट देते हैं, कैंसिल करा देते हैं, और सर हमारा फ्यूचर का बस ऐसी तैसी हो गई। अब इसका जिम्मेदार कौन है, DGT है या आईटीआई वाले हैं? कौन है जिम्मेदार? कोई जवाब देने वाला ही नहीं है। सर आंदोलन जो है बड़ा रूप ले लगा, और मेरी रिक्वेस्ट है DGT से कि हमारा जल्दी से जल्द एग्जाम की डेट सही आए और एग्जाम करवा दें। आईटीआई के छात्र ने बताया कि एग्जाम से पहले ही एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बीते 4 सालों से इसी तरह से उनका बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इस साल भी परीक्षा नहीं हुई तो सभी छात्रों के द्वारा सूक्ष्म रूप में विरोध प्रकट किया जाएगा और इस बार बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।